भोपाल की ओर रुक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वॉरियर वॉलेंटियर्स से चर्चा कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं सप्ताह भर भी पूरा नहीं हुआ और कोरोना वॉलेंटियर्स की टीम आज मेरे सामने बैठी है और उनके अलावा भी हजारों लोग मुझे अलग अलग स्थानों पर हमारे वॉलेंटियर्स सुन रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दुनिया, देश और प्रदेश एक भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। यह संकट छोटा नहीं है, हमने और भी संकट देखे, आते हैं कुछ दिन में चले जाते हैं और कई ऐसे रहते हैं कि जिसको देख के अनुमान लगा के हम कैसे निपटेंगे इसका प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन अभी जो संकट है उसके बारे में एक बार हम ये सोच चुके थे कि ये तो क्या मध्य प्रदेश में ही 150 प्रकरण के आसपास आते थे रोज, एक जिले में दो दो तीन तीन कुल मिला के, कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं आते थे, तो सबने सोच लिया कोरोना तो गया। अभी कल्पना नहीं थी कि एकदम ऐसा लौटेगा। जनता भी लापरवाह हो गई, लोग सड़कों पे निकल गया, शादी विवाह उत्सव धर्म धार्मिक परंपराएं, भीड़ भाड़, मेले ठेले और कोरोना की फिर से वापसी हो गई। इस बार की वापसी बहुत भयानक है। अब आज भी लगभग 10,000 पॉजिटिव केस एक दिन में आए, कल भी संख्या 10,000 के आसपास थी। इसके पहले सितंबर में हमारे एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे 2600 के आसपास। अब कहां 2600 का नंबर जब पीक थी और कहां 10,000 का नंबर। अस्पताल धीरे धीरे भरते जा रहे हैं, अस्पताल में भी ऐसा नहीं कि नया मैंने कहा खड़े कर दो अस्पताल को, वहां ऑक्सीजन चाहिए। साधारण बेड की दिक्कत नहीं है लेकिन ऑक्सीजन बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, एचडीयू बेड चाहिए और ऑक्सीजन की सीमा है, किल्लत है, ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़ती है। तो बहुत सी एनर्जी तो हमारी टीम की इसी में जा रही है कि गुजरात से ऑक्सीजन का हमारा टैंकर चला, वो कहां पहुंचा देखो, समय पर पहुंच जाए, देर नहीं हो जाए, नहीं तो किसी की मरीजों की सांस टूट जाएगी। कभी किसी ने कल्पना की कि कोई ऐसा संकट भी आ सकता है। इससे निपटने के लिए हम तहरी लड़ाई लड़ रहे हैं तीन स्तर की। नंबर एक, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या निरंतर बढ़ाते रहना। अभी पिछले 5 दिनों में ही हमने 5,600 बिस्तर बढ़ाए अलग अलग स्तर पर, प्राइवेट सेक्टर से बात करके उनके अस्पताल भी जोड़ रहे हैं साथ, सरकारी में इलाज निःशुल्क है लेकिन कई जगह प्राइवेट अस्पताल भी हमने लिए, वहां भी निःशुल्क इलाज करा रहे हैं और कुछ अस्पताल पैसा लेके इलाज कर रहे हैं। तो नंबर एक, बिस्तर बढ़ते जाए ताकि कोई दिन ऐसा ना आए कि हम पेशेंट्स को ही भर्ती ना कर पाए। लेकिन उसमें भी बड़ी समस्या कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाना, ताकि अगर ऑक्सीजन बेड बढ़ाए तो उसके लिए ऑक्सीजन तो हो, वो एक चुनौती है। कोविड केयर सेंटर बना रहे जहां कम लक्षण वाले भाई और बहन जो घर पर नहीं रह सकती, उन घर में अगर छोटा कमरा है तो वहां होम आइसोलेशन थोड़ी होता है, वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, इस बार ये बात आ रही है कि पहले तो परिवार का एक सदस्य दो सदस्य संक्रमित होते थे, तो परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे। पता चला माता पिता बेटा बेटी सबके सब भर्ती। और एकदम कोविड केयर सेंटर भी बना रहे हैं कि सामान्य